अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। और मैं आज इस डिज़ाइन के लिए 2 लेयर्स यूज़ करूँगी, और मैंने 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके या फिर सेम कलर्स को आप ले सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे या जैसे आपके फैब्रिक के कलर के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड हो। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, और आप 3x2 की बजाय 3 लेयर्स भी ले सकते हैं। और अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप 1 लेयर से बनाएंगे तो वो बहुत बारीक और बहुत ही नफीस डिज़ाइन बनेगा, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप इस किसी भी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड पे बनाया कीजिए, फिर उसको आप सिल्की थ्रेड के साथ ट्राई कीजिएगा, तो आपको बड़ी आसानी होगी बनाने में। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 1.25 mm की हुक ली है। बेसिकली आज का जो डिज़ाइन है वो 2 रोज़ पे बनता है हमारा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो बनाएंगे उसके लिए। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे और हमारी फर्स्ट रो बनाएंगे अपने डिज़ाइन के हिसाब से। सबसे पहले हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 5 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 चेन बना लिया हमने, तो 5 चेन को हमने इस तरह गैप लेना है कि वो थोड़ी सी हमारी इस तरह से उसमें झुकाव आए, ढीलापन हो। तो उसी के बाद फिर हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। आपने डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में ही डिसाइड करना है और उसी को लेके चलना है आगे। अगर आपको डिस्टेंस लेने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले बेस रो बना लेंगी, 1 डबल क्रोशे। इसी स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशे बनाना है, 2, 3, 4 एंड 5। सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर उसको इस तरह यहाँ पे जहाँ पे इसका 5 डबल क्रोशे का 5th वाला डबल क्रोशे हमारा फैब्रिक को टच करेगा, वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप इस तरह से है और ये हमारी फर्स्ट रो में हमें यही वाला प्रोसेस करना है। अच्छा, सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर से 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन प्लस डबल क्रोशे, इतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से। वन डबल क्रोशे, 2, 3, 4, 5। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको हमने सिंगल क्रोशे कर देना है थोड़े से डिस्टेंस पे। ये हमारा सेकंड स्टेप की कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये हमारी लुक आएगी फर्स्ट रो की, और हमें इसी को रिपीट करते हुए अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। जितनी आपको लेंथ रिक्वायर्ड है आपने पूरी लेंथ पे फर्स्ट रो को यही मेथड से बनाना है, 5 चेन प्लस डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने एक ही स्पेस में, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 डबल क्रोशे बनाने के साथ ही इसको सिंगल क्रोशे कर लेना है थोड़े से डिस्टेंस पे, और फिर इसी को रिपीट करते हुए आपने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा, फर्स्ट रो बनेगी। इसको कंप्लीट करके हम सेकंड रो पे आते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, 5 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे के साथ और प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। इसको रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे
और हम सेकंड रो पे आ गए हैं। और यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने थ्रेड को स्लिप नॉट ले लेनी है। स्लिप नॉट लेने के बाद हम यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पे स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशे की हेल्प से, तो यहाँ पे हमने फाइव चेन के ऊपर हमने फाइव सिंगल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से फाइव चेन के ऊपर हमने फाइव सिंगल क्रोशे बनाना है। वन सिंगल क्रोशे, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। फाइव सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये जो हमने फाइव डबल क्रोशे बनाया है, इसकी फर्स्ट वाले स्टेप में इसको हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे करने के बाद इसके ऊपर फोर चेन का पीकॉट बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर। आप इस पीकॉट की जगह पे मोती भी लगा सकते हैं तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। ट्राई किया कीजिए नई नई चीज़ें। और नेक्स्ट वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, उसके ऊपर भी हम फोर चेन का पीकॉट बनाएंगे, टू, थ्री, फोर, फोर चेन। और यहाँ पे हम इसको इसका पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और नेक्स्ट वाले में भी हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया और इसके ऊपर हम इसका फोर चेन का पीकॉट बनाएंगे, फोर चेन। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाया और नेक्स्ट जो कि लास्ट था उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। कुछ इस तरह से मैंने ये थ्री पीकॉट्स बनाए हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे आप पीकॉट्स की जगह पे मोती ऐड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगे, ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे लास्ट वाला फिनिश करने के बाद नेक्स्ट जो फाइव चेन हमारी है उसमें हम फाइव सिंगल क्रोशे फिर से बनाएंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव सिंगल क्रोशे बनाया और फिर ये जो हमारा डबल क्रोशे वाला हमारा ये फ्लावर था इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला स्पेस है उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। फोर चेन का पीकॉट बनाया इसी के ऊपर। नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे, वन, टू, थ्री, फोर। फोर चेन के साथ इसका पीकॉट बनाया। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे किया, वन, टू, थ्री, फोर। फोर चेन के साथ इसका पिकॉट बनाया और फिर से लास्ट वाले में हमने इसको सिंपल सिंगल क्रोशे किया। कुछ इस तरह से ये हमारा थ्री पिकॉट्स का फ्लावर बनेगा, साथ में ये हमारा कुछ इस तरह से गैप बनता जाएगा। इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे और नेक्स्ट हमने फाइव चेन की गैप के ऊपर बना देना है फाइव सिंगल क्रोशे। आप देखिए मैंने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के आया है। ये टू रोज़ का डिज़ाइन है। आप इसको सिल्की थ्रेड से बनाएं, कॉटन थ्रेड से बनाएं, जैसे आपको ईजी लगता है और जैसे आपको बनाना आसान है और या फिर जैसे आपकी फैब्रिक की रिक्वायर्ड थ्रेड है वो वाला कलर, वो वाला आप साइज़ ले सकते हैं। कॉटन थ्रेड या सिल्की थ्रेड, टू लेयर्स लें या थ्री लेयर्स लें, अपने दामन पे बनाएं, बाजू पे बनाएं, कहीं भी जहाँ पे आपका दिल करे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।